रिप्रोडक्शन और किस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और किसके द्वारा, पहले अपन ने बात की जूस्पोर द्वारा, अब अपन बात करते हैं बाई एप्लेनोस्पोर, बाई एप्लेनो स्पोर या अचल बीजाणु, अचल बीजाणु। जैसे कि अपन ने बात की थी कि इसमें जो विभिन्न प्रकार के बीजाणु हैं उनका जो निर्माण है वो इसके हैबिटेट पे डिपेंड करता है, सब आवास पर डिपेंड करता है। जलीय जातियों में तो जो है जूस्पोर का निर्माण जिसके कारण वो तैरते रहते हैं, यहाँ पे जो स्थलीय जातियां हैं टेरिस्ट्रियल स्पीसीज है, टेरिस्ट्रियल स्थलीय जातियां, स्थलीय जातियों में जो है एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होगा या अचल बीजाणुओं का निर्माण होगा। जन और बाकी जो है रिप्रोडक्शन सेम उसी प्रकार होता है जैसे, यानी स्पोर सेम उसी प्रकार का होता है जैसे कि जू स्पोर में होता है। ये इसमें जो है केंद्र की पदार्थ है वो, यानी रिप्रोडक्शन के समय केंद्र के पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे यहाँ पे और क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर मध्य में जो है यहाँ पे न्यूक्लियस, और मध्य भाग में जो है वैक्यूल रिक्तिका बन जाती है इसको सेंट्रल वैक्यूल रिक्तिका, केंद्रीय रिक्तिका। अब ये पदार्थ जैसे ही एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के दौरान इसका जो है इसकी जो संरचना है इस थैलस की वो कलब सेप्ड या कहें तो गदाकार, इस प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाता है। गदा आपने देखी होगी, आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, आरण्य इस प्रकार की सीरियल देखे होंगे जिसमें जो गदा होती है भीम की गदा, तो आपको इस प्रकार की गदा नुमा जिसको कि क्या बोलते गदाकार संरचना जिसको कि कलब सेप्ड स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, कलब सेप्ड स्ट्रक्चर्स। इस कलब सेप्ड स्ट्रक्चर्स में जो ये अपने क्रोमेटोफोर और मध्य में जो है न्यूक्लियाई एकत्रित हो जाएंगे बहुत अधिक मात्रा में, और यहाँ आधारी भाग में जो है सेप्टा का फॉर्मेशन, पट का निर्माण, जिसके कारण ये जो है अन्य भाग से थैलस का जो पूरा भाग है उससे पृथक हो जाता है, और पृथक हुए भाग में जो अब इसको क्या बोलेंगे अपन, एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर या अचल बीजाणु। अब जो है इन्वर्जन की क्रिया जो है यहां पे भी देखने को मिलेगी, इन्वर्जन प्रतिलोमन, और इस इन्वर्जन के कारण या प्रतिलोमन के कारण क्या होगा, ये जो केंद्रक जो न्यूक्लियस है सेंटर में वो तो बाहर परिधि की ओर आ जाएगा और परिधि पे स्थित क्रोमेटोफोर जो है सेंटर की ओर मूवमेंट कर जाता है या अपनी स्थिति जो है बदल लेता है। ये इसकी कलब सेप्ड स्ट्रक्चर्स यहां पे बाहर को ये अपने न्यूक्लियस एकत्रित हो गए और अंदर की ओर जो है क्रोमेटोफोर, हरे रंग का केंद्र के पदार्थ एकत्रित हो जाता है क्रोमेटोफोर, जिसके कारण ये जो शीर्ष भाग है वो क्या हो जाता है हरे रंग का, ग्रीन कलर का दिखाई देने लग जाता है,
ग्रीन कलर का, यानी पूरे थैलस से जो है अलग कलर का दिखाई देने लग जाता है। अब ये जो एप्लेनोस्पोर है इससे एक यानी कि जो बीजाणु बन गया अचल बीजाणु, क्योंकि यहाँ स्थलीय दशाएं होती है, स्थलीय दशाओं में जो इसके बाहर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की ओर जो न्यूक्लियस और सेंटर की ओर जो है क्या क्रोमेटोफोर, जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, इनसे जो है शीर्ष भाग, यहां का जो शीर्ष भाग है ये फट जाता है और फटे हुए भाग से जो है ये स्पोर जो है भाग वह बाहर वातावरण में त्याग दिया जाता है और कुछ समय तक ये पड़ा रहता है। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होगी तो इससे फिर एक जो नए जो थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी और कोई अंतर नहीं है अचल बीजाणु और अचल बीजाणु में। चल बीजाणु में तो क्या होगा, यहां पर फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस में जो है मल्टी न्यूक्लिएट और मल्टी फ्लेजिलेटेड बहुकेंद्रकीय बहुकशाविक संरचना जो है वो तो चल बीजाणु और बहुकेंद्रकीय जो संरचना है जिसमें कि नॉन फ्लेजिलेटेड स्ट्रक्चर्स वो अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर। अब इस एप्लेनोस्पोर में क्या होगा, जर्मिनेशन, परिस्थितियां जैसे ही अनुकूल होगी इनमें जर्मिनेशन और प्रत्येक भाग जो ये भाग है ये शीर्ष से फट के अलग हो जाता है और इनसे एक नए थैलस का निर्माण हो जाता है। ये किसके द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा। अब तीसरे प्रकार का जो बीजाणु है उसकी अपन बात करते हैं, अंतिम और तीसरे प्रकार के, इनको क्या बोलेंगे, एकाइनेट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एकाइनेट्स, एकाइनेट्स या हिंदी में इसको बोलते हैं निश्चेष्ट बीजाणु। होगा क्या कि जो थैलस है, थैलस, ये थैलस, इस थैलस में छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे ये जो ब्लॉक या खंड है, सेगमेंट है, इनमें केंद्र के पदार्थ क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर और दूसरी ओर जो न्यूक्लियस वह एकत्रित हो जाता है, न्यूक्लियस और तीसरी जो पदार्थ है ऑयल ग्लोब्यूल, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स वह भी यहां एकत्रित हो जाती है और इस खंडनुमा जो भाग है जिसमें क्रोमेटोफोर, न्यूक्लियस और जो ऑयल ड्रॉपलेट्स एकत्रित हो जाती है, इसके बाहर एक मोटी थिक, थिक जो है ये क्या होगी, थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, थिक वॉल। इस थिक वॉल युक्त जो भाग है इसको ही क्या कहते हैं, सिस्ट या एकाइनेट्स
इसी को यानी कि यहाँ पे भी ये हो गए, यहाँ पे यहाँ यहाँ ये क्या बन जाते हैं, सिस्ट या एकाइनेट्स बन जाते हैं। अब जो है जैसे ही परिस्थितियां ये किसमें होगा, इनमें जब परिस्थितियां बिल्कुल ही अनफेवरेबल हो जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती है, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में ही इनके द्वारा एकाइनेट्स या जो सिस्ट है उनका फॉर्मेशन होता है। परिस्थितियां अनुकूल होती तो जलीय जातियों में तो जूस्पोर का और स्थलीय जातियों में एप्लेनोस्पोर का। तो यहां पे जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो ये जो केंद्रकीय पदार्थ है वो छोटे छोटे खंड में समेट कर एकत्रित हो जाता है और बाहर की ओर ये जो वॉल बन गई, थिक वॉल, जिसको कि सिस्ट या एकाइनेट्स कहते हैं। ये वॉल किसकी बनी हुई होती है, जिलेटिन की, जिलेटिन। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो ये जो वाल है यहां से लेटरल भाग से, लेटरल भाग से फट जाती है और इस फटी हुई जो वाल है लेटरल वॉल यहां से ये बाहर की ओर त्याग दिए जाते हैं। जो सिस्ट या जो एकाइनेट्स है वह वातावरण में त्याग दी जाती है और कुछ समय तक इसी प्रकार से पड़ी रहती है। जैसे ही परिस्थितियां यानी वर्षा वगैरह जो है या परिस्थितियां अनुकूल हुई, वर्षा होने पर ही जो है परिस्थितियां यहाँ की अनुकूल होती है, टेम्परेचर एकदम इनके सूटेबल हो, तो इनसे एकाइनेट्स या सिस्ट से जो युक्त भाग है, ये भाग जिसमें कि क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियस, ओल्ड ड्रॉपलेट्स क्यों होती है भैया हमें, क्योंकि ये रिजर्व फूड मटेरियल है इनके जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो है ओल्ड ड्रॉपलेट्स जरूरी होती है, ओल्ड ड्रॉपलेट्स। तो अब ये भाग जो छोटे छोटे अमीबॉइड भागों में टूट जाता है, छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा जिसमें कि क्रोमेटोफोर भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा, अमीबॉइड पार्ट। तो इन पार्ट से प्रत्येक जो पार्ट है यानी कि जो सिस्ट नुमा भाग है जिसमें बहुकेंद्रकीय और क्रोमेटोफोर युक्त और ऑयल ड्रॉपलेट्स भाग ये छोटे छोटे अमीबॉइड पार्ट में टूट जाता है और प्रत्येक टूटे हुए भाग से फिर जो है जू स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा या एक्लोनोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। इन जू स्पोर या एक्लोनोस्पोर से जो है आगे चल के नए थैलस का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें मेनली जो रिप्रोडक्शन का है वो इन तीन प्रकार के यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीन प्रकार के बीजाणुओं द्वारा संभव होता है। सबसे पहले जूस्पोर जिनको कि अपन सिंजूस्पोर कहते हैं, दूसरे एप्लेनोस्पोर जिनको कि अपन अचल बीजाणु कहते हैं, और तीसरे टाइप के एकाइनेट्स या सिस्ट के द्वारा सेक्स ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।